जरा संभल कर, बहुत संभल कर, राहत तुम्हें ये चलनी है। पहला कदम ही तय कर देगा मंजिल किसको मिलनी है। नमस्कार, सलाम, न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। चुनाव की घड़ी आ गई है, पहले दौर का मतदान चंद दिन दूर है। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बारी है और उत्तर प्रदेश में बारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान होगा। मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर हो रहा है। इनमें प्रमुख जिले हैं शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर। मथुरा भी है, आगरा भी है, बुलंदशहर भी, अलीगढ़ भी। फरवरी में मौसम सर्द है, लेकिन यहां गर्मी की बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे सारी गर्मी उतार देंगे और जयंत कहते हैं कि खून में गर्मी है तभी तो जिंदा है। अखिलेश भी तंज करते हैं कि क्या हमारे मुख्यमंत्री कंप्रेसर हैं? एक मुख्यमंत्री की भाषा का स्तर यहां तक किस वजह से आ गया है? वजह साफ है कि यहां लड़ाई बहुत कांटे की और दिलचस्प बन गई है, क्योंकि यहां माहौल पूरी तरह बदल चुका है। 2017 की अपेक्षा इस बार यहां किसान चुनाव के केंद्र में हैं। वहां की नेता राकेश टिकैत पहले से ही यहां खूंटा गाड़े हैं और अब तो संयुक्त किसान मोर्चा की अपील भी आ गई है कि बीजेपी को हराना है। उधर राजनीति के मैदान में आरएलडी के जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश जमकर एक साथ खड़े हैं और रथ लेकर पूरा इलाका नाप रहे हैं। रोजगार, महंगाई भी यहां प्रमुख मुद्दा बन गए हैं, लोग इस पर काफी बात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की भरपूर कोशिश दिख रही है कि चुनाव एक बार फिर हिंदू मुस्लिम पर ले आया जाए। तभी मंदिर की बात होती है, कैराना की बात होती है, जिन्ना की बात होती है, बजरंगबली की बात होती है और अब तो स्थिति जबानी हमले से गोली पिस्तौल के हमले तक आ पहुंची है। ओवैसी पर हमला शायद इसी राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन फिलहाल हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनता नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथी और वरिष्ठ पत्रकारों ने इन इलाकों का दौरा किया है। आज हम उनसे इस इलाके का हाल लेंगे और ग्राउंड पर क्या स्थिति है उनसे जानेंगे। तो ले चलेंगे अपने वरिष्ठ और साथी पत्रकारों के पास। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह। आपने पिछले दिनों मुजफ्फरनगर का दौरा किया, हापुड़ का दौरा किया और अब अलीगढ़ के दौरे पर हैं। मुजफ्फरनगर जिले में 6 विधानसभा आती हैं। इनमें मुजफ्फरनगर के साथ खतौली, मीरापुर, पुरकाजी, बुढ़ाना और चरथावल है। हापुड़ जिले में हापुड़ सुरक्षित के अलावा धौलाना और गढ़मुक्तेश्वर यानी कुल 3 सीटें आती हैं। अलीगढ़ जिले में खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोयल, अलीगढ़ और इगलास सीट आती हैं। तो चलते हैं भाषा सिंह के पास। भाषा जी, आपका बहुत स्वागत है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अब अलीगढ़, क्या देख रही हैं? चुनाव कैसा चल रहा है, क्या माहौल है? टक्कर मजे की है और ये बहुत अहम है कि इस चुनाव में 2017 की तुलना में मुद्दे बहुत साफ साफ हैं। जैसे महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो अक्रॉस द बोर्ड है तमाम जगहों पे, यहाँ तक कि जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, जो उनका एक बहुत हार्डकोर बेस है, वह भी ये मान रहा है कि महंगाई बहुत कर दी है, बेरोजगारी बहुत है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर जगह दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन जिस तरह से पहले मान के चल रहे थे कि टक्कर सिर्फ भाजपा और सपा रालोद गठबंधन में है, धीरे धीरे ये दिखाई दे रहा है कि भाजपा के पक्ष में जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है उसमें बसपा एक अहम भूमिका अदा कर रही है। जिस तरह से आगरा वाली रैली हुई, वहां पे उन्होंने कांग्रेस को निशाने पे लिया, समाजवादी पार्टी को निशाने पे लिया और उनके जो कैडर है, उनका जो सपोर्ट बेस है, वह भी तकरीबन उसी भाषा में बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि मैं मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर अभी अलीगढ़ में हूँ, कल मुरादाबाद में थी, इन तमाम जगहों पे ओवैसी भी एक फैक्टर के तौर पर है, लेकिन
जो पहले चरण का चुनाव है और खासतौर से जो जाट लैंड कहलाता है पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका मुजफ्फरनगर और उसके आसपास, वहां किसान आंदोलन का असर बहुत तीखा और साफ है। और जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चे ने सीधे सीधे कहा है कि भाजपा ने जो नाइंसाफी की है, पर्चा जारी किया है, तो मुझे लगता है कि उससे स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। ये अभी शुरुआती दौर में दिखाई दे रहा है। और भाजपा अलीगढ़ हो, हापुड़ हो, मुरादाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, उसका एजेंडा बिल्कुल साफ है। यहाँ पर अलीगढ़ में बकायदा नारे लग रहे थे कि मथुरा भी बाकी है, मथुरा का भी इंसाफ हम कराएंगे। तो उससे ये लग रहा है कि इसने पूरी तरह से अपना मन बना रखा है कि हिंदू मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण करते हुए। आज सुबह यहाँ के जो सिटिंग MLA हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, वहां पे मैं गई तो उन्होंने और उनके समर्थकों ने सब कुछ कहा कि महंगाई और सब कुछ चलता है, सब देश हित में है और हिंदुत्व से बड़ा क्या हो सकता है। तो वहां पर बिल्कुल साफ उनका नारा है और उसी आधार पे वे बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और उनका कैडर रिसोर्सेस से, उनका जो नेता है, उनका जो पूरा प्रचार प्रसार है, उसके पास जो ताकत है, और बाकी जो विपक्षी तमाम लोग जो लड़ रहे हैं उनको अगर आप बराबर कर उनकी अगर आप तुलना कीजिए तो पलरा कहीं से भी बराबर तो छोड़ दीजिए, 1 किलो 200 एक तरफ, 2 किलो का बाट रखा हुआ है, दूसरी तरफ एक पाव भर का भी बाट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत संसाधन की, तो संसाधन की बात तो है, पर जिस तरह की बौखलाहट दिखाई दे रही है गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के भाषणों में, तो क्या वो जो चाह रहे हैं, अब हमने देखा कल हमला भी हुआ ओवैसी साहब पर, तो वो चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पर चुनाव आए, पर क्या ऐसा दिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम पर चुनाव आ सकता है, या किसान, महंगाई, बेरोजगारी, ये ग्राउंड पर दिख रहे हैं, यही रहेंगे मुद्दे? देखिए, एक बहुत बड़ी चीज जो मैंने शुरू में कहा कि चाहे वो भाजपा वोटर हो या विपक्ष का वोटर हो, दोनों के लिए महंगाई है। महंगाई से कोई डिनाई नहीं करता, जो बहुत कट्टर विरोध भाजपा का समर्थक है वो जरूर ये कहता है कि महंगाई हुई तो क्या हुआ, देश का निर्माण हुआ, लेकिन ऐसे कहने वाले लोग कम हैं। लेकिन शायद यही वजह है कि आप पाएंगे कि इस पूरे इलाके में भाजपा कोई और मुद्दे पे बात नहीं कर रही। पहले दिन से लेकर आज तक, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो बाकी मंत्री हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, वह सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक कार्ड तक खेल रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई कार्ड है नहीं अभी खेलने के लिए। तो इनको ये लग रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व का जो पूरा का पूरा कार्ड है उसी आधार पर मुसलमानों का खौफ दिखाकर। और आज सुबह मैं अलीगढ़ के कुछ जाने माने इंटेलेक्चुअल से मिल रही थी, कुछ कामगारों से मिल रही थी, ओवैसी जी पे जो हमला हुआ उसके बारे में बात हुई, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये तो स्टंट है, चुनाव के समय ये सब होता रहता है, मुसलमानों को बांटने की कोशिश हो रही है, वोट डाइवर्ट करने की। तो ये बड़ा अपने आप में दिलचस्प है कि जनता अब अपने अपने ढंग से तमाम पॉलिटिकल गेम्स को देख रही है। ध्रुवीकरण ही भाजपा के लिए की फैक्टर है, और उसके साथ साथ विपक्ष में इस तरह का जो एक बटा हुआ वोट है, क्योंकि आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर बसपा का वोट बहुत तगड़ा है, तो बसपा अगर वोट खींचती है, बसपा अगर वोट काटती है, तो उसका सीधे सीधे फायदा भाजपा को होगा, और ये बहुत स्पष्ट जमीन पर दिखाई दे रहा है। भाषा की, आप मुजफ्फरनगर गए पहले, आपने हापुड़ का भी दौरा किया और अलीगढ़, क्या सीट वाइज कुछ इक्वेशन, कुछ समीकरण बदलते दिख रहे हैं, या सब जगह लगभग एक सा ही माहौल आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, मुजफ्फरनगर की सीट में बहुत गहरी टक्कर है, वहां पर जो गठबंधन है बहुत ताकतवर है, और भाजपा वहां पर डिफेंसिव है। भाजपा का जो पूरा प्रचार प्रसार है वह जाटों को मनाने, लुभाने, पुराना इतिहास बताने की हम हिंदू वो भी मुसलमानों से लड़े थे, वो मुगलों से लड़े थे, हम मुसलमानों से लड़े, इसलिए वहां पर इस पैमाने पर है। हापुड़ में क्योंकि रालोद बहुत मजबूत है वहां पर, और उसका एक वोट बैंक है। हम नूरपुर गए, जो चौधरी चरण सिंह का गांव है, पैतृक गांव है, वहां पर मतदाता बड़े पैमाने पर ये बताते रहे कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी, यहाँ से हमने तकरीबन 90% वोट भाजपा को दिया, पिछले 3 बार से दे रहे हैं,
और हमें छला गया, हमें ठगा गया, इस बार हम नहीं देंगे। वोटर बहुत वोकल है, लेकिन यहाँ पर जब मैं अलीगढ़ में हूँ तो यहाँ पर वोट बहुत बड़े पैमाने पर विभाज्य दिखाई दे रहे हैं। ये भाजपा का गढ़ है, भाजपा सांसद है, भाजपा विधायक है यहाँ से। तो यहाँ पर जो मथुरा की बात हो रही है, यहाँ पर मुसलमान वोटों को बांटने की बात हो रही है, और इन पूरे इलाके में जो कोशिश है, जो भाजपा के पक्ष में जो कोशिशें हो रही हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, उसमें सारा जोर इस बात पर है कि विपक्ष के जो वोट हैं उनको काटा जाए। यह भी मुझे भाजपा की ही रणनीति दिखाई दे रही है, क्योंकि योगी और मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बहुत जबरदस्त है, लोग नाराज हैं। तो इस लिहाज से ये जो कोशिश है, ये जो समीकरण है, मायावती की जो रैलियां हैं, जो उनके भाषण हैं और उनके जो ग्राउंड पे वर्कर्स बोल रहे हैं, वो तो तकरीबन एक ही भाषा में बोल रहे हैं। उनके निशाने पर भाजपा कम, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ज्यादा है। ओवैसी के समर्थकों, ओवैसी के कैंडिडेट जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उनके भी निशाने पर समाजवादी पार्टी ज्यादा। तो ये एक जो विपक्ष वाला वोट बैंक है उसको डिवाइड करने की रणनीति भाजपा, मुझे लगता है, चुनाव आते आते कर रही है। और उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की ओर इसी बहाने वह बढ़ने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पे जो महंगाई और बेरोजगारी है, वो समाजवादी और रालोद गठबंधन के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। वह उसे कैप्चर करने, यूथ का जो एक आक्रोश है उसे एड्रेस करने, हमें देखा अनेक जातिगत समीकरण में भी जो नौजवान है वो बेरोजगारी और महंगाई पे कह रहा है कि इन लोगों ने बहुत गड़बड़ियां की हैं, लाठियां बरसाई हैं, हम उधर जाएंगे, हम उधर वोट देंगे। तो ये तो अभी दिखाई दे रहा है 10 जी। आपने अभी मुरादाबाद का दौरा भी किया, वो अगले दूसरे दौर में उसका चुनाव है, फिर हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। हमारे साथ है मेरठ से पत्रकार परवेज त्यागी जी। मेरठ जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, मेरठ, मेरठ दक्षिण और मेरठ कैंट के अलावा सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर और किठौर। परवेज जी, आपका न्यूज क्लिक में बहुत स्वागत है। क्या है मेरठ का हाल, कैसा चुनाव देख रहे हैं आप? इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प है मेरठ में। लगभग इक्का दुक्का सीटों को छोड़ के बाकी सभी सीटों पर बराबर की फाइट नजर आ रही है इस समय। और इस रेस में कहीं ना कहीं भाजपा और गठबंधन के जो दोनों दल हैं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, उनके बीच सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा है फिलहाल की स्थिति। मुद्दे क्या हैं इस समय, जो ग्राउंड पर मुद्दे हैं? राजनीतिक दलों के मुद्दे अलग होंगे, पर लोगों के मुद्दे क्या हैं? ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो ग्राउंड जीरो पर लोगों के मुद्दे सबसे ज्यादा, देहात में जाए तो वहां सड़कों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, खेती किसानी का मुद्दा है, गन्ने के भुगतान का भी मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का एक बड़ा इशू है इस बार के चुनाव में। लेकिन पिछले कुछ दिन से जो कंटिन्यूटी बनाई है पॉलिटिकल पार्टियों ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, के मुद्दों से हटके चुनाव को दूसरी जो बयानवीर है राजनीतिक दलों के, वो चुनावी जंग को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुद्दे तो लगभग इस बार जो है एक नैरेटिव सेट हुआ है मुद्दों को लेके, कि युवाओं को रोजगार और किसानों को गन्ने का और उनकी फसलों का उचित दाम, ये एक बड़ा मुद्दा मेरठ, देहात और आसपास के जिलों में एक जो असर रख रहा है, इस बार दिखाई दे रहा है, उसका असर नजर आ रहा है। मेरठ हमेशा से एक संवेदनशील शहर और सीट रही है, मेरठ और मेरठ के आसपास। तो जिस तरह की कोशिशें हैं हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लाने की, क्या आपको लगता है कि इस तरफ जा पाएगा चुनाव, उनकी कोशिशें कामयाब हो पाएंगी इस तरह की? कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन लगभग यह है कि गांव देहात का जो वोटर है वो मन बना के बैठा है कि इस बार उसको जो है अपने मुद्दों पर वोट करना है। उसके लिए युवाओं का रोजगार अहम है, उसके लिए फसलों के दाम का मुद्दा अहम है, तो इसलिए उसने मन बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं शहर में ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसमें शहरी जो इलाके हैं उसमें कहीं ना कहीं फर्क डाल सकते हैं। और देहात में? देहात में इतने चांसेस नहीं है, कोशिश तो उधर भी की जा रही है लेकिन इतने चांसेस है नहीं, क्योंकि किसानों ने अपने एक मुद्दे को एक सेट कर दिया है कि हमें इस बार जो है अपनी खेती किसानी के लिए एक वोट डालना है, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट डालना है। तो इस तरीके से देहात में इतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा है, इतना प्रभावित नजर नहीं आ रहा है मुद्दा, लेकिन शहरी क्षेत्र में जरूर इसका असर है।
मेरठ में 7 सीटें आती हैं, इन 7 सीटों पर क्या कुछ अलग अलग माहौल आप देखते हैं या लगभग एक जैसा ही माहौल है? नहीं, अलग अलग सीट का अलग अलग समीकरण है इस बार। जो शहरी सीट है उन शहरी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन देहात की सीटों पर हम जाएं तो तस्वीर चार, क्योंकि शहरी क्षेत्र की 3 सीटें आती हैं और देहात सर्किल की 4 सीटें आती है, तो कहीं ना कहीं उसके थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है माहौल देहात की सीटों पर मेरठ शहर की सीटों से। तो ये फर्क तो मेरठ में है इस बार भी। चलिए फिर आपके पास आते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता तारिक अनवर। आप भी यूपी के दौरे पर हैं और पश्चिमी यूपी की कई सीटों को ग्राउंड पर जाकर परख चुके हैं। तारिक भाई आपका स्वागत है। आप यूपी के दौरे पर हैं, यूपी घूम रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं खासतौर से पहले दौर के चुनाव को लेकर? देखिए, जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है ये पूरे यूपी के इलेक्शन को डिसाइड कर देगा। 58 सीट पे ये इलेक्शंस होने हैं 10 फरवरी को। मैंने अब तक मथुरा से सफर की शुरुआत की थी, मथुरा, आगरा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद होते हुए इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, एटा, उधर तराई के कुछ इलाके जैसे पीलीभीत, बदायूं, बरेली, इन सारे इलाकों में गया, रामपुर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखी कि इस बार इलेक्शन बहुत हद तक मुद्दे पे अब तक होता हुआ दिख रहा है, लोग अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप एग्रेरियन बेल्ट्स में जैसे ही जाएंगे, गांव में जैसे ही जाएंगे, वहां पे लोगों के बड़े इश्यूज हैं, उनके सर्वाइवल के इश्यूज हैं। हालांकि ये इश्यूज पिछले चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया, लेकिन इस बार लोग हेलबेंट हैं कि वो अपने इश्यूज पे वोट करेंगे। किसानी के बड़े मुद्दे हैं वहां पे और उसने उनका जीना हराम कर दिया है। जैसे स्ट्रे कैटल का इशू है, आवारा पशुओं का इशू है, गाय की जो तादाद है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और अभी गेहूं लगा हुआ है, मस्टर्ड लगा हुआ है, सरसों, तो ये अभी छोटे छोटे पौधे हैं, हरे पौधे हैं, तो ये जो जानवर है, जो आवारा पशु, इनको ये बड़ा टेस्टी लगता है। तो एक झुंड का झुंड पूरे खेत में जाता है और उसको पूरी की पूरी फसल खराब कर दे रहा है, जिसके लिए किसानों का ये कहना है कि भाई हम दिन भर खेतों में काम कर रहे हैं, चूंकि अभी नेसेंट पौधा है, छोटा पौधा है, अभी उसमें बहुत काम करना होता है, तो दिन भर हम उसमें लगे रहते हैं, रात में उस खेत की को देखना पड़ता है, रात में भी हम उस खेत में अलाव जला के बड़े बड़े टॉर्च, हाई बीम वाले टॉर्च लेके हम खेतों में घूमते रहते हैं कि कहीं आवारा पशु उसमें न घुस जाए और पूरी फसल को बर्बाद न कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है गांव के लोगों का। दूसरा जो उनका किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पे मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि ये छोटा नंबर नहीं है, ये जो किसान है, गाँव में रहने वाला हर आदमी ऑलमोस्ट एक किसान है और बड़े पैमाने पे खेती करता है, जिसको जितने खेत हैं उतनी लैंड को कल्टीवेट करता है, तो एक बड़े स्तर पे। और ये जो यूपी का पूरा इलाका है ये एग्रेरियन बेल्ट है, यहाँ खेती जो मेन चीज है, यहाँ मेन सोर्स ऑफ इनकम खेती है, तो ये एक छोटा चंक नहीं है जो इलेक्शन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, एक बहुत बड़ा चंक है जो पूरे स्टेट की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली वेस्टर्न यूपी। सेकेंड जो उनका बड़ा इशू है स्ट्रे कैटल के बाद, वो है एमएसपी का मुद्दा। जो पिछले बार जैसे प्राइम मिनिस्टर ने राज्यसभा में कहा था कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, किसान यहाँ पे पूछते हैं कहाँ है एमएसपी, कहाँ था एमएसपी और कहाँ है एमएसपी। उन्होंने अभी लास्ट सोइंग सीजन जो था उसमें जो मेन क्रॉप थी उनकी वो धान थी, धान का 1900 जनरल वैरायटी का, जो जिसको मोटा धान बोलते हैं, जिसको गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, स्पेशल वैरायटी तो प्रोक्योर नहीं करती, जनरल वैरायटी प्रोक्योर करती है, 1940 रुपए क्विंटल था, लेकिन वो बिका कितने में है, 1100 से लेके 1400, मैक्सिमम 1500 लोगों ने जनरल ओपन मंडी में उसको बेचा है, साहूकारों से बेचा है। उनका ये कहना है कि ये जो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं, यहाँ पे हमारे धान लिए नहीं जाते हैं। एक तो ये बड़ा कम दिन के लिए खुलता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए खुलता है,
ये जब जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इनको वो पर्ची नहीं मिल पाती है, पर्ची में वो डेट लिखा हुआ आता है, क्योंकि आप अपनी जमीन के पेपर्स लेके तहसीलदार के पास जाते हैं, वहां अपने को रजिस्टर करवाते हैं, तहसीलदार आपको एक पर्ची देता है, उसमें प्रोक्योरमेंट का डेट लिखा होगा, अमाउंट लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, ये पर्ची उनको इश्यू नहीं होती, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चूंकि वो जो उन्होंने लगाया है वो रिटर्न उसका तो चाहते ही हैं, उसके लिए उनको ओपन मंडियों में बेचना पड़ता है, और वहां पे चूंकि जब बहुत बम्पर फसल होगी तो मार्केट में फ्लड भी ज्यादा होगा तो रेट घटेगा, तो यही हो रहा, तो उनका दूसरा बड़ा मुद्दा एमएसपी का है जो उनको नहीं मिल पाया है। तो तारिक भाई, आपने बताया कि किसान एक बड़ा मुद्दा है, किसान की समस्याएं, उसकी एमएसपी और आवारा पशु, और अब तो संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आह्वान कर दिया है बीजेपी के खिलाफ। और आपने शुरुआत में कहा और भी जानकारों से हमारी बात हो रही थी, वो भी कह रहे हैं कि पहला और दूसरा दौर इस पूरे चुनाव को तय कर देगा, ऐसा क्यों आपको लगता है? इसलिए कि अभी किसान मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया है, जब गवर्नमेंट ने रोल बैक किया, स्क्रैप किया तीनों फार्मर्स और फार्मर्स लॉ जो लाए थे, लेजिस्लेशन जो आया था उसको रोल बैक किया गया। ये जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, ये फर्स्ट फेज का इलेक्शन प्योरली किसानी के बेल्ट में हो रहा है, यानी प्योरली एग्रेरियन बेल्ट है, और यहाँ पे अगर मुद्दों पे चुनाव हो रहा है तो ऑलमोस्ट पूरा उत्तर प्रदेश एक तरह से आप देखें तो एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है अलग अलग चीजों का। तो अगर इस जो सेंटर है, जो सबसे बड़ा हब है किसानी का, वहां पे अगर चुनाव मुद्दे पे हुए, और ये साथ साथ ये भी जानना पड़ेगा व्यूवर्स को कि ये जिन इलाकों में ये इलेक्शन हो रहा है, कम्युनली बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं, और यहाँ पे अगर पोलराइजेशन काम नहीं कर रहा है, जो अब तक नहीं दिख रहा है, जब आपको एक गांव में जाएं और आप किसी से पूछें कि भाई भाजपा ने मंदिर तो बना दिया तो आप वोट क्यों नहीं कर रहे हैं, तब वो बोलेंगे कि भाई मंदिर अच्छी बात है, बन रही है, लेकिन वो कोर्ट के इंटरवेंशन से बनी है। दूसरी चीज ये कि वो उस मंदिर से हमारे सारे प्रॉब्लम खत्म तो नहीं हो गए, हमारे जो इश्यूज हैं, जो हमारे लाइवलीहुड के इश्यूज हैं, वो स्टिल हैं। दूसरी बात, एमएसपी जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर अब तक किसी तरह की कोई कमेटी नहीं बनी है, उस पर कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं किया गया है, तो उनको अब लगने लगा है ये बात कि वो एक लिप सर्विस थी, एक जो मोमेंटम बना था, एक मूवमेंट जो खड़ा हुआ था उसको डाई डाउन करने की कोशिश थी, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। तीसरी बात, ये जो किसान होते हैं ये बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं, बड़ा सेल्फ एस्टीम इनका स्ट्रांग होता है, तो इतने लोग जो जिनकी शहादत हुई, जिन्होंने अपनी जान दी उस पूरे प्रोटेस्ट को, एक साल के प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने में, तो तब जाके सरकार झुकी। अब वो ये कह रहे हैं कि अब हमारा टाइम है, अब हम आपसे उसका ये लेंगे, इतनी जो जाने गई हैं। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ इश्यूज हैं, इसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि ये जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, ये बहुत हद तक आने वाले नेक्स्ट फेजेस को इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा ये सारा जो इलाका है, यहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा जाते हैं, तो आप जाएंगे सुबह सुबह निकलेंगे आप तो सड़कों पे लोग दौड़ते हुए, यंग लड़के जो हैं वो दौड़ते हुए दिखेंगे, उनको पुलिस में जाना होता है, उनको आर्मी मतलब आर्म फोर्सेस की जॉब में जाना होता है, वहां पे वैकेंसीज नहीं आ रही है बहुत दिनों से, तो जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज है, स्टेट गवर्नमेंट में भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे लोग मिले, ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी और महंगाई एक राष्ट्रीय मुद्दा बना है, वही यूपी में भी किसान डाल रहा है, और साथ ही किसानी और इसका मुद्दा अलग से आ जाता है। जी बिल्कुल, किसान सम्मान निधि जिसको बहुत बोझ कर रही थी, जिसको ओवर हाइप किया जा रहा था कि भाई डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है पैसा, लोग सवाल पूछते हैं कि भाई तुम हमको अपनी मेरी फसल का रेट दे दो, तुम सम्मान निधि मत दो मुझे, ये साल में 6,000 रुपए से कुछ नहीं होने जा रहा इस महंगाई के दौर में। तो ये सारी चीजें लोगों को अब समझ में आई हैं, और ये इस बेसिस पे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ये इलेक्शन बहुत हद तक अब तक जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो बहुत हद तक ये पॉजिटिव साइन है कि लोग मुद्दे पे वोट करेंगे। जी आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जब मुद्दे पर चुनाव होगा
तो काफी कुछ बदलाव दिखाई देगा। फिलहाल हम आपके पास आते रहेंगे अगले दौर में भी। शुक्रिया। शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहले दौर का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। बच्चा या कोई भी जब चलना शुरू करता है तो उसका पहला दूसरा कदम ही अहम होता है। उसने अगर ये पहले दूसरे कदम जमा कर रख लिए तो फिर तो वो दौड़ सकता है, दौड़ जाएगा। यही यूपी के संदर्भ में कहा जा सकता है। पश्चिमी यूपी का यह पहला दौर दूसरे दौर का एजेंडा सेट कर देगा और इसी के साथ यूपी का भविष्य भी लगभग तय हो जाएगा कि कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं। फिलहाल आप भी अपना गणित लगाइए और वोट जरूर करके आइए। तब तक के लिए शुक्रिया।